कैबिनेट मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले हुई थी हमारी, उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जो मैं समझता हूँ कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण कदम होगा। दिल्ली में डीजल के दाम काफ़ी ज़्यादा थे अभी तक। दिल्ली में डीजल अभी 82 रुपये, कल का जो दिल्ली में डीजल का रेट है वो 82 रुपये था। आज दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि दिल्ली में डीजल के ऊपर वैट के रेट 30% से घटा के 16.75% कर दिए जाएंगे। तो काफ़ी बड़ी रिडक्शन की जा रही है। इससे दिल्ली में डीजल के दाम 8.36 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएंगे। तो जो डीजल कल 82 रुपये का मिल रहा था वो डीजल अब 73.64 रुपये का मिलेगा। बहुत सारे इंडस्ट्रीज से, बहुत सारे व्यापारियों से, लोगों से ये डिमांड आ रही थी कि डीजल के ज़्यादा रेट की वजह से सबको तकलीफ़ हो रही है, लोगों के बजट पे असर पड़ रहा है, व्यापारियों को तकलीफ है, इंडस्ट्री को तकलीफ है। मैं समझता हूँ कि इस निर्णय से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को एक पुश देने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। पिछले एक हफ्ते से हम लोग दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठा रहे हैं। जैसे सोमवार को मैंने ऐलान किया था कि रेहड़ी पटरी वालों को काफ़ी तकलीफ हो रही है, रेहड़ी पटरी वालों को अलाउ किया गया कि वो अपना काम शुरू करें। एक जॉब्स पोर्टल शुरू किया गया जहां पे बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जिनके काम करने वाले लोग कोरोना के दौरान फैक्ट्री बंद होने से, दुकान बंद होने से अपने अपने गाँव चले गए और अभी लौट के नहीं आए। धीरे धीरे आ रहे हैं लोग, तो उनको काम करने वालों की कमी हो रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि हम कहाँ जाएं नौकरी मांगने के लिए। इन सब लोगों को मिलाने के लिए, जो काम देना चाहते हैं और जो काम लेना चाहते हैं उनको मिलाने के लिए अभी हमने 2-3 दिन पहले जॉब्स पोर्टल शुरू किया था। उसमें इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है और मुझे बड़ी खुशी है। मैंने तो सोचा भी नहीं था, अभी जॉब पोर्टल अनाउंस किए हुए 3-4 दिन ही हुए हैं, लगभग 7577 कंपनियों ने या काम देने वालों ने अभी तक रजिस्टर किया है। 204,785 नौकरियां इसमें एडवर्टाइज की गई हैं, 204,785 नौकरियां इसमें आई हैं अभी तक, और 322,865 लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया है। तो मैं सभी दिल्ली के जितने व्यापारी हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सबसे अपील करता हूं कि आइए सब लोग मिलके दिल्ली की अर्थव्यवस्था को फिर से एक बार पटरी पे लाते हैं। मैं सभी दुकान वालों से अपील करता हूं, व्यापारियों से अपील करता हूं कि अपनी अपनी दुकानें खोलें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें और मास्क पहन के रखें। लेकिन अब अपना कामकाज हम सब लोग शुरू करते हैं, इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री खोलें, और आने वाले दिनों के अंदर मैं इंडस्ट्री के लोगों से, व्यापारियों से बड़ी संख्या में मिलने जा रहा हूँ, जूम कॉल के ज़रिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, ताकि उनसे अगर उनकी और भी कोई समस्या होगी उन सभी समस्याओं को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।